एवरीवन, कैसे हो आप सभी। रुपेश की रसोई में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 1 बज रहा है। अभी इस घर में जब से आई हूँ कोई रूटीन सेट नहीं हुआ है मेरा। कभी मैं दोपहर से काम शुरू करती हूँ, कभी सुबह से काम शुरू करती हूँ, तो अभी मेरा जो रूटीन है बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा। इधर से उधर मेरा रूटीन जो है ना जा रहा है। पर मुझे यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि मैं उधर घर में रहती थी, मुझे इस घर में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि ये मुझे जो व्यू है, ये जो गांव वाला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दिल्ली में रह के, दिल्ली जैसे शहर में ये वाला जो व्यू है ना, बिल्कुल गांव की फीलिंग्स आती है इससे। ये यहाँ पर ये खेत है, कल इसमें जो है ना पानी दिया था, अब इसमें कुछ फसल वगैरह होगी। तो आप तो यहाँ रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर हमें। अभी आपको मैं शाम के टाइम का इसका थोड़ा सा क्लिप बना के आप सभी से शेयर करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर ना मैं इस वाले कमरे में ना रहती हूँ ना, तो ये मुझे सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। मशीन का जो है ना, मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए और उसका बजर भी जो है ना बच चुका है, तो दूसरा राउंड डाल के आती हूँ मैं। और साथ साथ में मैंने बेडशीट की चादरें भी निकाल दी हैं। तो एक मिनट कैमरा मैं सेट कर देती हूँ, मैंने यहाँ पर सेट कर देती हूँ। आज जो है ना हमने ये फॉर्म जो है ना लगवाई है, और इसकी वजह से जो है ना मेरा काम बहुत लेट हो चुका था। पहले इसमें पलंग में नहीं थी, अभी लगवाई है तो मुझे पसंद नहीं आई है, लेकिन चलो लग गई। आदि आज क्या पढ़ाया ट्यूशन में? मेरे को तो बहुत कुछ पढ़ाया है। रिवीजन कर लेना कल, टेस्ट की चीज है उसका ही है। छोटे बच्चे हो तो इधर से इधर चीज़ें फैलाते रहते हैं, उनको जो है ना इधर एक साइड ठीक करूँगी तो दूसरी साइड गंदी कर देते हैं, इस साइड ठीक करूँगी तो उस साइड कर देंगे, यही चलता रहता है इनका सारे दिन। तो यहाँ पर मैं चीज़ें उठा उठा के लेके आ रही हूँ। मेरा जो है ना सेट हो चुका है, मैंने अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर दी है। अब हम चलते हैं बाकी के कमरे में। अभी 2 कमरे की क्लीनिंग नहीं हुई है, अभी मैं उनको सेट कर लेती हूँ, चादरें वगैरह लगा देती हूँ। तो चलिए रोटी दे देती हूँ मैं, ठीक है? टाइम हो गया ना, उनको भूख लग रही होगी, ठीक है? तो तू यहाँ पर जो है ना इसको वो कर ले, तब तक मैं इनको खाना दे देती हूँ।
तो पूरा सेट कर ले, फिर मैं खाना दे देती हूँ। बच्चों को भूख लग रही है, मैं उनको जो है ना खाना दे देती हूँ। टाइम हो गया, 2 बज गए हैं। मैं ना बूंदी का रायता जो है ना बना के दे दे रही हूँ बच्चों को। इसमें जो डाल रही हूँ ये जीरा, भुना हुआ जीरा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें जीरा पाउडर। जीरे को मैंने हल्का सा जो है ना रोस्ट करके रखती हूँ तवे पे, और फिर उसको जो है ना हाथों से थोड़ा मोटा रहने देती हूँ, थोड़ा हाथों से क्रश कर देती हूँ, जैसे कस्तूरी मेथी वगैरह करते हैं उस तरीके से फ्लेवर आ जाता है इसका। डाल रही हूँ मैं नमक, वाइट वाला नमक है, अगर काला नमक हो तो बहुत अच्छा है, मेरे पास अभी है नहीं है, अभी मैं घर में इतना भी सामान लेके नहीं आई हूँ तो कुछ ना कुछ रह जाता है। और इसमें मैं डाल दूँगी बूंदी, बूंदी का पैकेट किधर है, ये बूंदी डाल दे। इसका पुदीना भी मिक्स है, वही वाली बूंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है क्योंकि इसमें पुदीना डाला होता है, और पुदीना जो है ना गर्मियों में ठंडा रहता है, गर्मियाँ जो है ना स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, सुबह शाम की ठंड रहेगी, अभी इतनी और ठंड है नहीं है। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, यहाँ पर प्लेट मेरी लग चुकी है। अभी मैंने जो है ना रायता बनाया है और रोटी है, क्योंकि सब्जी भी बनाई है, मेरे लड़के को जो है ना मुंह में छाले हैं तो बिना रायते से रोटी खाना खाता है, तो मैं इसको उसको पकड़ा देती हूँ, तो चलते हैं उसको रोटी दे देते हैं। आरव खाना खा ले, किधर है के ले खाना खा ले। मैं रायता ही लाई हूँ ना, बूंदी का रायता बना दिया ना, ठीक है। प्याज तो नहीं डालनी थी इसमें, नहीं चल खा ले। तो यहाँ मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं और मैंने मशीन को जो है ना साफ कर दिया, अब मैं इनको जो है ना फैला देती हूँ धूप में। कुछ कपड़े मैंने धूप में सुखा रखे हैं, कुछ अब ये डाल दूंगी, ये भी सूख जाएंगे। मशीन भी क्लीन हो चुका है, अच्छे से क्लीन कर दिया है, और अब मैं पीती हूँ नारियल पानी, क्योंकि अब जो है ना भरा हुआ नारियल है ये, इसको मैं ले लेती हूँ। एक मिनट इसको मैंने साइड खड़ा करती किचन में जो है ना, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर रोशनी जो है ना बहुत सारी है, क्योंकि इधर जो है ना यहाँ पर भी एक गेट है, ये देखिए मैं अभी कैमरा, तो यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह सबकी खड़ी रहती हैं, हमारी भी यहीं पर खड़ी है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो है ना रोशनी आती है। दिन में तो लाइट जलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एक प्लेट भी ले लो, इसमें से ना मलाई लगा लेंगे, चम्मच भी ले लियो, काजल उस दिन वाला तो खाली गया था ना एक, उस दिन हमने लिया तो खाली था ना नारियल, अंदर से उसकी मलाई भी नहीं निकली थी, तो पिएगा क्या नारियल पानी? आप सभी पी लीजिए नारियल पानी, टेस्ट कैसा लगता तेरे को इसका? बहुत अच्छा। तो पी के दिखा जरा, टेस्ट अच्छा लगता तो पी, इसको खत्म कर। पसंद नहीं आया? पिया ही नहीं है इसे?
मुझे ना इसकी मलाई बहुत पसंद है, इसमें से मलाई निकाल लूंगी सारी। मैंने लिया था ना एक बार, मतलब कई बार पिया है मैंने, एक बार तो मैंने मलाई निकलवा ली है इससे, मैंने कहा मलाई चम्मच ले गया पहले, चम्मच चम्मच वो निकलाता है ना, गोला निकलाता है पता है, अगर वो जो होते हैं ना नाली पानी जैसे वो काटते हैं ना, वो चक्कू बड़ा वाला, चक्कू नहीं नहीं हाथ लग जाएगा मुझे तो, अरे मेरे को ना आवे तो घिसने वाला दे दो, अरे कुछ थोड़ा सा मेरे को नहीं घिसना है। नारियल में इतनी सारी मलाई लिख ली है, खाली खा ले। क्या दे दे फोन, ये नेल्स का क्या करेगा, दो ना मेरे को करना है कुछ, वाओ फ्रेशी है ना, मिट्टी मिट्टी, तुझे वो वाले नारियल, वो कच्चे वाले जो नारियल आते हैं ना, वो कैसे लगते हैं, जो मतलब जैसे कि तो खाते हैं हाँ, वो भी अच्छा लगता है ना, मीठे हो तो मीठे हो जाए, उसकी चटनी जो नारियल की होती है बहुत टेस्टी लगती है, वही सी उसी की तो मैं कहते हैं नारियल की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहीं मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए रुपेश की रसोई में।